जो टेक्सा की मीटिंग थी ना उस पर अभी कलेश हो रहा है। इसी टाइम पे अपनी ड्रीम बाइक रहा करती थी वो बाइक। क्या हो गया तुझे छोटू? वो छोटू क्या हो गया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हेलो, व्हाट इज योर नेम? तो गाइस जिस चीज के लिए आपको मैंने इतनी देर से वेट करा रखा था वो चीज हमारे पास आ चुकी है और सुपर बाइक चलाने का बहुत टाइम से मन था। साइलेंसर है, ये मॉडिफाइड है और दूसरा इसे साइलेंसर बिल्कुल गद्दी के बगल में। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुज थापा और कैसे हो आप लोग टू द न्यू एपिसोड। और आज फिलहाल हम डेक्सटर को निला रहे हैं। आज इसकी ना हम ना जा रहे हैं मीटिंग करवाने। जी ने बोला था एक उसके पास फीमेल है, ये तो बदमाश है ही हमारा। आज आपको मैं एक बाइक भी दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन बाइक है और किसी टाइम पे अपनी ड्रीम बाइक रहा करती थी वो बाइक, वो भी दिखाने वाला हूँ। मिलते हैं, अभी पहले इसे निला लेते हैं यार। चलो ना ना हो डेक्सटर, पहले नहा ले, फिर सुंदर हो जाएगा, फिर तभी तो जाएगा तू लड़की से मिलने। कैसे गंदा सा बन के जाएगा? भाग जाएगी वो। देख डेक्सटर, अगर तू नहाया नहीं जैसे बदबू आएगी तो लड़की तुझसे भागेगी नहीं दूर, जैसे बात कैसे करेगी वो। तो मैं भी ना लेता हूँ। ओ मेरा बेबी, अब क्यों पकड़ रहा है बेबी? डेक्सटर ये क्या बदतमीजी है तेरी यार, क्यों करता है तू ऐसा? डेक्सटर तो गाइस बाकी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में ये बाल कैसे लग रहे हैं मेरे ऊपर। किस बार मैं सोच रहा हूँ लंबे बाल कर लेता हूँ, जैसे मेरी आप पुरानी फोटोज देख रहे होंगे यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ इसमें दोबारा लंबे बाल कर लेता हूँ और कुछ नया करने की ट्राई करते हैं। तो इस बार मैंने बाल नहीं कटाया और अब मैं इसे लंबे कर लूंगा, यहाँ तक हम बनेंगे बिल्कुल दिल जलेगा साका बन जाऊंगा बिल्कुल साका। तो बाइक वाला सीन, तो भैया जिसकी बाइक है अभी ऑफिस जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे बाद में थोड़ी देर में मिल पाऊंगा, तो बाकी जब वो आएंगे तब मिलाते हैं आपसे। ठंडा सा हो गया ना, ठंडा होने शुरू हो चुका है, सर्दी आने वाली है तो इस वजह से मैं भी ना चुका हूँ, ये भी ना चुका है, दोनों को ठंडा लग रहा है। बाकी इसकी शक्ल तो आप देख ही सकते हो। डेक्स अब कर ना, अब कर बदमाशी, अब क्यों नहीं कर रहा, ठंडा लग रहा। जो डेक्सटर की मीटिंग थी ना उस पर अभी कलेश हो रहा है, तो उस कलेश को पहले सॉल्व कर लेता हूँ तब बताता हूँ आपको। दो नौकरानी बुलाई थी, एक ये कमला है और इसका नाम विमला है। ये शीला है गाइस, ये शीला है, तू पुष्पा है, ये पुष्पा है और ये शीला है। गाइस आपने देखा होगा वो फनी वीडियो चल रही है आजकल शॉर्ट्स में आती है, एक पुष्पा होती है और एक शीला होती है। तो बाकी इन्हें हमने काम के लिए बुलाया, तो अभी ये साफ सफाई कर रही है। ओए अच्छे से साफ करना, दिहाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है? अच्छे से साफ करना, दिहाड़ी नहीं मिलेगी। शीला, अरे बोला शीला। और एल्बम देखते देखते हमें बचपन की हमारी कुछ फोटोज मिली थी। देखिए आप, ये मेरी सबसे बड़ी बहन है जो कि सबसे छोटी लगती है। तो गाइस हमारी हीरोइन माँ को देख सकते हो आप, ये वाओ क्या प्यारी लग रही है हमारी माता। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो, ये रही हमारी बचपन की कुछ यादें, और ये रहा मैं, और ये रही अंजलि, ये रही मम्मी, और ये रहे पापा। पापा को देखिए क्या चुसे वैसे लग रहे हैं। गाइस ये मुझे जितेंद्र जैसे क्यों लग रहे हैं मेरे बापू? चलो कल बचपन में पहले लोग ऐसे ही रहते थे, मतलब सारे ही जैसे लगते थे, ऐसे रिलेट कर सकते हो। जैसे आप कभी भी आप सर्दियां आ रही है या गर्मियां आ रही है तो उस चीज के लिए आप साफ सफाई करते हो, अकेले जैसे सर्दी दिवाली आती है या तो साफ सफाई पूरे घर की करते हो, तो आपको ना ऐसी ऐसी चीजें मिलती है, आपकी फोटोज मिल जाएगी आपको, पुरानी पुरानी फोटोज, बहुत पुरानी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जैसे हम पहले थे उस समय कैमरा इतना नहीं होता था, तो इतनी सारी फोटोज नहीं है हमारी, जितने भी हमें ना 2000 वाले हो गए 99 वाले हो, तो उनकी फोटोज इतनी सारी है नहीं, पर जितनी भी है ना बहुत यादें ताजा कर देती है यार, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है देख के। तो गाइस फिलहाल अभी बाकी ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं, थोड़ी सी इनकी हेल्प मुझे भी करनी पड़ेगी यार, क्या ही करूं। अरे मैंने सिर्फ वीडियो में बोला था मेरे, ये दोनों गाइस ये दोनों उठा लेता हूँ मैं, तुमने इसमें काम की चीज तो नहीं फेंकी मेरी? अभी हम फिलहाल इस लाइटर को फोड़ रहे थे, मम्मी मेरी वीडियो बना दे रहा, आप देख सकते हो इसका एक्सप्लोजन। ओ सॉरी गाइस, मेरे ना लगे। तो गाइस आप दिवाली में अब हम देख कहाँ तक उड़ते हुए गए। गाइस देख इसका क्या हाल हो चुकी है, ये ले इसको मेरे को दूर फेंकना पड़ेगा, ये ले। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
मम्मी चलो अंजलि के बाहर निकालो। अंजलि वाला आया घर से कचरा निकाल। सबसे मोटा कचरा तो यही जा रहा है। डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। कबाड़ फेंकते हुए भी दिखाए। ओ थड़े चले, क्योंकि हम इसमें समय समय में यहाँ पर आग लगा देते हैं। हम नहीं सिर्फ मम्मी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या हो गया तुझे छोटू? वो छोटू क्या हो गया? छोटू क्या हो गया तुझे? वो छोटू ने क्या पी लिया? देखो गाइस गाइस, छोटू ने क्या पी लिया ये? तो गाइस ये हमारी पप्पू है। तो गाइस इसने अभी मतलब वो पता नहीं क्या नशे से पी लिया है। तो आपको ये सफाई करते हुए क्या मिला है? तोड़ दे दो कुट पिला दे सा, तोड़ दे दो कुट पिला दे सा, छोड़ दे। अभी मैं दाल बना रहा था क्योंकि घर पे रहते तो हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो आज आपको दिखाता हूँ मैं छोंके वाली दाल खिला के, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन लगती है और मुझे ऐसे ही पसंद है। तो बाकी पहले हम ये लहसुन ले लेंगे, इसको डाल दें, प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और बाकी हरी सब्जी भी बन रही है। तो भाई एक चीज रह गई थी, हींग, जो थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसमें। प्याज अच्छे से भून चुके हैं, इसमें हम डाल देंगे टमाटर, डाल देंगे ये देगी मिर्च, हल्का सा धनिया पाउडर डाल देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो अच्छे से मसाला पक चुका है। तो गाइस आप दाल का कलर देख सकते हो, क्या बेहतरीन लग रही है। तो गाइस अपनी बीवी के लिए थोड़ा सा सेब वेब काट लेते हैं। अब मैंने आपको बताया तो था कि अब ऐसे करके बैठ के अनार खाती है तो अब सेब भी खाएगी तो काटना तो पड़ेगा ही, और सबके लिए भी काट देते हैं। और गाइस आपको सीन भी बता देता हूँ यार, दिक्कत क्या हो रही थी कि एक कंप्यूटर यहाँ पर था जो कि मेरी बहन का हो रखा है सिलाई विलाई के, उससे थोड़ा सा उसका, तो मुझे उसे उठा के यहाँ शिफ्ट करना है और इसको ये जाएगा तुम्हारे कमरे में, तो ये काम करवा देते हैं यार। कंधे उठा के बाहुबली, तो गाइस फिलहाल इसको करते हैं यार। गाइस फिलहाल अब इसको उठाना है हमें, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैं। गली गली तेरी लाज जली। टेक टू, थोड़ा भारी है। हाँ हाँ, इसमें ताकत नहीं, दिमाग से ही। तो आराम से ऐसे करके जा रहा है और मैं इसमें पूरी ताकत लगा रहा था, बेमतलब की एक्सरसाइज भी करी मैंने। दाल कैसी लगी? दाल हाँ ये कर लो पहले। मैं अभी ये हो चुका है और अब खाना वाना खा लेते हैं। दाल देख सकते हो कैसी लगी, मजा आ गया। और बाकी ये चटनी बनाई है यार हमने, तिल की चटनी, जो कि बहुत ज्यादा मजा आता है तिल की चटनी और दाल चावल खाने में, ये चीजें खाने में ना। बाहर कितना भी खा लो यार, बाहर कितनी भी चीज खा लो, पर जो घर का खाना है दाल चावल और चटनी और खीरा वगैरह। पानी आ गया मेरे को तो मैं खाता हूँ यार फिलहाल। तो गाइस अभी हो चुकी थी शाम और मैं उठ चुका था, मेरी नींद वींद भी खुल गई थी और जो भैया थे वो अभी आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं अपने गांव में एक दोस्त है उसके यहाँ जा रहा हूँ, भाई है जो अपना उसके यहाँ जा रहा हूँ। पहले मैं आपको आवाज सुना देता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं अपने दोस्त के यहाँ पहुंच चुका हूँ और आप बाकी देख सकते हो साइकिल मंगाई थी इसने, पूरा टूटा हुआ आया था क्या गाइस ये बाकी देख सकते हो, इसकी हवा हुआ सब ये ऐसी आया था कि हवा निकली हुई थी पूरी गाइस। तो इसकी बाकी ऑफलाइन चलती है तो घर में ऐसे मूवी बिना धोए ये सबसे बढ़िया काम है यार। क्या पता लगा कॉल में तो बात करनी है। जब बिग बिलियन डे सेल चल रही थी उसमें ये इसको कुछ 10,000 रुपए की पड़ी, वैसे इसका कॉस्ट पता नहीं कितना था, कुछ ज्यादा ही कॉस्ट था। अगर आपको मुझे इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। बाकी पर ये साइकिल तो इसको जुड़ा लेते फटाफट, चला के देखेंगे एक बार। तो गाइस फिलहाल अभी साइकिल जुड़ा ही रहते और बाकी अभी आपको दिखाता हूँ यार। अरे छोटू इसके पप्पीज है। हेलो 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 बाबू, हेलो नुनु का डाटा बच्चा, नुनु का डाटा। हेलो यानी के बिच्चू बिच्चू बिच्चू, कितना प्यारा बिच्चू है ये, देखिए कितना क्यूट है। हेलो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो गाइस इसको रख देता हूँ, इनको मुझे पीट देगी, बाकी बहुत प्यारे हैं यार। तो गाइस जिस चीज के लिए आपको मैंने इतनी देर से वेट करा रखा था वो चीज हमारे पास आ चुकी है और बाकी आप मजा आ गया यार। अभी मैं बैठ के उस पर ड्राइव करके आया हूँ तो बहुत ज्यादा मजा आया, तो आपको भी दिखाता है उस बाइक के बारे में। 2018 बैलेनी 600 है ये, और बाकी आप इसे देख सकते हो यार ये कितनी ह्यूज है, मतलब गाइस ये मेरे से भी ज्यादा चौड़ी है। पीछे हर जगह से भी बहुत ज्यादा ब्रॉड है और ये जिसकी है वो उससे भी मिलाता हूँ। ये हमारे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है रोहित भैया। हेलो, तो इनकी आपने कब खरीदी भैया? 2 महीने हुए। कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग राइडिंग, स्पोर्ट्स बाइक है ना, वैसी बाइक चलाने कितना मजा आता होगा। इसकी जो पावर है 600 cc,
कितना भाग जाती है? ये टॉप स्पीड इसकी 221 है। 221 हाँ। तो मैं इसके एक आधे सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ आपको, तो आप सिनेमैटिक्स एंजॉय किए। जैसे कि आपने देखा कि हाँ भाई गाड़ी मतलब बहुत मस्त लग रही है यार। कभी अपनी भी ड्रीम बाइक हुआ करती थी बेनली, पर अभी फिलहाल तो मेरी जी 900 है, पर ये भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी पहले। तो कभी जिंदगी में अगर इन फ्यूचर अगर किसी को खरीदनी, आपने सेकंड हैंड खरीदी है ना? यस भैया। नहीं नहीं आती, बिकॉज दिस वाज डिसकंटिन्यूड इन इंडिया इन 2018। हाँ, बिकॉज गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, BS4 प्लेटफॉर्म से BS6 पे आ गई। ये मैंने सेकंड हैंड लिया है, फुल थ्रॉटल करके कंपनी है फुलबाग न्यू दिल्ली से, उनसे मैंने लिया है एंड इट वाज डिलीवर्ड हियर। सब कुछ मिला के शिपिंग एंड ऑल इट कॉस्टेड मी 4,26,000। फोर सिलेंडर है ना इसमें? फोर सिलेंडर या ओके। 87 BHP एंड इट गिव्स यू द पावर। इसमें द बेस्ट थिंग इज अबाउट यू हैव टू थ्रॉटल्स, ए एंड बी थ्रॉटल वायर। अभी मैंने एक थ्रॉटल वायर निकाल रखा है बिकॉज इसकी रेस बहुत ज्यादा ले लेता है, ब्रेकिंग सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस हिसाब से रेस है इसकी। एग्जैक्टली, बढ़िया बात है ना। सबसे बढ़िया बात तो मुझे एक ही चीज लगी है कि इसमें जो साइलेंसर है ये मॉडिफाइड है, और दूसरा इसके साइलेंसर बिल्कुल गद्दी के बगल में। माइलेज इट्स ओके, अराउंड 20-22 किलोमीटर। सुपर बाइक ओन कर रहे हो तो माइलेज तो क्या यार देखना नहीं। तो गाइस मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ यार। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें पटाखा टाइप पटक रहा है। अभी यहाँ पर आंटी लोग पूजा कर रहे हैं तो इसलिए ज्यादा नहीं कर रहे कहीं बोलेंगे तो। बाकी आप उसको चला के दिखाते हैं, देखते हैं इसको चलाए किस कैसा फील आता है यार। एक सुपर बाइक चलाने का बहुत टाइम से मन था, तो देखते हैं कैसा फील आता है। तो गाइस इसको लेके चलते हैं एक बार ऊपर साइड थोड़ा सा और चला के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पावर है तो उठाते समय तो बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा है यार। भाई साहब क्या पावर है इसमें यार, मजा आ गया। इसको स्टैंड में लगा दूं? फिर तो मेरे से गिर गई थी, उठाना मुश्किल हो गया, दो आदमी मिला। तो वेट कितना होगा इसका कम से कम? ये है 231। 231 केजी। बहुत मजा आया इसको चलाने में, और भैया को मैंने बहुत दिन से बोला था, मैंने भैया एक दिन वीडियो बनाएंगे, तो भैया भी थोड़ा फ्री नहीं हो पा रहे थे, मैं भी नहीं हो पा रहा था, तो अब फिलहाल जाके हम दोनों ने वीडियो बना लिए। और बाकी बहुत ज्यादा मजा आया है, गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है। किसी दिन हम भी लेंगे, लाइक ये वाला मॉडल नहीं ले पाएंगे तो दूसरा ले लेंगे, क्योंकि ये बंद हो चुका है ना। ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो गाइस ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो बाकी अगर कोई और मॉडल लेंगे, पर एक सुपर बाइक तो लेनी है, क्योंकि यार आप इसे ढंग से देखिए कितना प्यारा लगता है के वाइज में, और हर एक पावर भी बहुत अच्छी पावर देती है। ऐसी बाइक एक होनी चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चलाना चाहते हो, तो ये वाली बाइक भी बहुत अच्छी है, मैं बोलता हूँ। ये सजेस्ट ये भी है, पर एक इसका जब दूसरा मॉडल आ जाएगा। ये वाला मॉडल नहीं आता, 300cc आता है, फिर TRK आता है, बट वो थंप नहीं मिलता, वो एग्जॉस्ट नोट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये BS6 प्लेटफॉर्म पे आ गई। तो गाइस बाकी भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, भैया थैंक यू, आपसे जरूर मिलेंगे दोबारा, और कभी चलेंगे इसमें, मैं अपनी बुलेट भी लेके आऊंगा, दोनों चलेंगे किसी दिन लंबी राइड पे। तो गाइस आपको बाकी जरूर मिलेगी वाली राइड, तो आपसे मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। बाकी इसको चला के मजा आ रहा, थोड़ा मजा ले लेते हैं इसका, उसका चलते हैं। आखिरकार इसे असेंबल करी दी है, बहुत ज्यादा मुश्किल लगी है मेरी। हमारा भाई ऐसे ही मदद कराई थी, कुछ नहीं की बात बना रहा ऐसी। तो गाइस इस साइकिल को चुड़ाने में जो मेरा जुलूस निकला है आपको क्या ही बताएं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइकिल है ये। तो गाइस मजा आया है, तो फिलहाल मैं आपको घर पहुंच के मिलता हूँ। फिलहाल अब मैं घर पहुंच चुका हूँ, देर हो चुकी थी, मैं थोड़ी देर बैठा अपने दोस्त के साथ, मैं कैब उसका ब्लॉग नहीं किया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो फिलहाल मैं घर पहुंच चुका हूँ। और बाकी अब वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड ज्यादा लंबी नहीं खींचता हूँ। और ब्लेनली जो 600 थी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी गाड़ी लगी मुझे, तो इन फ्यूचर कभी अगर हम भी ले पाए, इसको सपना है अपना भी कुछ ऐसी सुपर बाइक लेने का एक, अब सपोर्ट करते रहना, हम भी लेंगे किसी दिन, एक दिन तो दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। तो बाकी आपसे ऐसे ही मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ, नए ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, और जो पुराने हैं तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो गाइस बाय बाय कर दे, बाय कर दे, बाय 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 बाय।